और कितना खुदा दिया ऊपर से। ये दोस्तों घाघरा बैराज है। अगर लखीमपुर के आसपास आप रहते हैं तो घाघरा बैराज घूम सकते हैं, क्योंकि इससे अच्छा प्लेस और कहीं हो ही नहीं सकता है आसपास। इस वक्त पानी का बहाव काफ़ी कम है यार, यहाँ तो काफ़ी सारा पानी है। इसमें तो पानी बिल्कुल नहीं यार, हेलो गाइज वेलकम बैक टू। अरे भाई चल रहे हैं यार, क्यों परेशान हो रहे हो? एंजॉय करना है आप तो यहाँ एंजॉय करो ना। अरे देखो यार, इस वक्त मौजूद हैं हम गिरजा बैराज में और आपको दिखाएंगे कितना ऊपर से हम हैं नीचे। ये रहा अपना छोटा भाई दिलीप कुमार। हेलो हेलो बोला। चलो ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, ये सीढ़ियों से गुजरता हुआ रास्ता ऊपर की तरफ। काफी यहाँ दोस्तों खतरा है, अगर पैर फिसला तो सीधे नीचे जाओगे। 44 फुट खाई है। 44 है क्या? थैली वैली तो यहाँ नहीं लग रहा है यार। अपना देशराज भाई लगता है पागलपन का दौड़ा पड़ गया है, जो लकड़ियाँ बीनना है। अभी हमने कहा था तुमसे इसको पकड़ना मत, हमने धोखा खा लिया पकड़ के। ये रहा अपना पुलिस भाई, जो बेत बनते हैं लकड़ियों के, जो बुढ़े लोग चलते लेके पकड़ के। ये देखो इसका पेड़ रहा, दिखाओ जरा पकड़ के। ये उसकी पत्तियां हैं, ये तना पेड़ रहा इसका बनता है, भी कच्चा है, ये भी कच्चा है इसका बनाया जाता है। और कांटे देखो कितने लगे, कांटे बहुत खतरनाक जानवरों को घुस जाएंगे। भाई को मीठा नीम भी दिखा दीजिए लगाए। जी मीठा नीम है यार, कड़ी का पत्ता जिसे बोलते हैं, पूरा मीठा नीम लगा है, खा लो। मीठा नीम भाई लगा है ये कड़ी का पत्ता। हरियाली कितनी हरियाली, तूने ऐसे किया था? अबे यार देख रहा तो है। हाँ यार, अबे यार फोटो पे खींचे वाला है लोकेशन। यस लाओ मैं खींचता हूँ। ओए सारे इधर आ जाओ, जिसको भुट्टे वगैरह खाना है, क्योंकि अपना देशराज भाई बहुत मेहनत कर रहा है। ये देखो लकड़ियाँ तैयार कर रहा है। ये कहाँ से लिया है? अरे तोड़ लिया ना, बता रहा तोड़ लिया है, लीची लेके आया। बोलते क्या भाई, शाम को वापस गए थे, अब वापस आए हैं। ये देखो भाई जंगल, शॉर्टकट नेपाल जाने का रास्ता। काफी घना जंगल है यार। अभी परसों मारा है शेर ने। इतना जल्दी आ गए यार, इतना जल्दी आना नहीं चाहिए था। वो बोल रहे थे सीसीबी वाले कि 8-9 बजे आना, इनको तो जल्दी पड़ी रहती है सालों को। टाइम तो वहाँ भी लगेगा, वहाँ कैसा टाइम लगेगा? क्यों चलने दो, जंगल ही जंगल है।
भाई देख लो छौड़ी जाती है। साइकिल से चलते ही आते कहाँ से हैं? बेलवा गांव से आते हैं क्या ये लोग? बेलवा रंसी से आते हैं ये। नहीं जो बता रहा था बेलवा पड़ता है इधर अपने बॉर्डर के पास लास्ट वाला गांव बेलवा। ये आ रहा है हमारा भाई चेक पोस्ट। अधूरे रह गए भोसड़ी के, यहाँ घूमने आए थे नेपाल और यहाँ बाबा जी का ठुल्लू पकड़ के रह गए। वो वीडियो बनाने के से दर्पण ना भाई फिर। हाँ देखो जंगलों में घूम रहे हैं। नेपाल साला नहीं मिला। लोग कहते हैं यहाँ शेरबाग का भी खतरा है। क्या करें खतरे से खेल रहे खतरों के खिलाड़ी। ठीक भाई कहाँ गए भाई जी? अरे बैठ जा छोरा, बैठ जा छोरा।